आज हमारे उड़िया मूवी का मलियागिरी का उड़िया मूवी मलियागिरी का सॉन्ग लेते हैं, जो सॉन्ग चिकनी चमेली जैसा है। तो पहले हम सॉन्ग देख लेते हैं। ये झंडा नाम से ये सॉन्ग की तरफ से ये सॉन्ग लोड किया गया है। ये जो गाना था गाने को देख के हमको जब शाहरुख खान को पिला भी जाती ना, फिर वो ऐसे ही डांस करती है। वो वैसे ही बिल्कुल मतलब बन के और वैसे ही डांस किया था। उड़िया मूवी ने बहुत कोशिश की और कोशिश उनकी नाकाम नहीं जाएगी, क्योंकि ये गाना बहुत अच्छा जाएगा। दिन 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 जाता, अगर इसका यही टाइटल सॉन्ग रखा जाता तो ज्यादा अच्छा रखता, क्योंकि जितना भी गाना था उसमें डांस थोड़ा था, उसमें दिखाया गया कि शूटिंग हो रही है, शूटिंग चल रही है वहां पे और डांस हो रहा है, और ज्यादातर फोटो दिखाई जा रही थी और थोड़ा बहुत डांस दिखाया गया, शूटिंग ज्यादा दिखाई गई थी उसमें, शूटिंग चल रही थी और वो ढोल बज रहे थे, लगाड़ा बज रहे थे, पहले दिखाया गया था हारमोनिया बज रही थी और एक एक करके सब लोग आ रहे थे और उसको नाटी बोल रहे थे, तो वो तैयार होकर फिर डांस करने आए थे। तो गाना मूवी का जो टीजर आया, फिर ट्रेलर आया, और ये मूवी दशहरा में आएगी ये तो आप सभी लोगों को पता है। इसका जो प्रमोशन किया जा रहा है ना, जो इसका प्रचार किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। इतना ज्यादा प्रचार, पहले तो इसका पोस्टर भी कई बार आया है, गाने का पोस्टर भी आया है, हमने लगाया है कम्युनिटी टैग में, पोस्टर भी बहुत अच्छा था और ये गाना भी बहुत अच्छा था। ज्यादा नहीं समझ में आया पर कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा था, क्योंकि दिलीप के बराबर आ रहा था, जैसे वो बोल आ रहे थे वैसे। एलिना भूषण, असीमा पांडे, कुलदीप पटनायक, इसमें जो भी लिख के आ रहा था ना, वो सारा हमने सब कुछ आपको बताया। इसमें एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, जिसने म्यूजिक लिखा हो, जिसने सॉन्ग गाया हो, सबके नाम लिख के आ रहे थे गाने में। और इसमें शूटिंग भी चल रही थी, वो भी हमने आपको बताया। तो ये गाना अमरा म्यूजिक की तरफ से आया है, अमरा म्यूजिक उड़िया की तरफ से आया है। ये गाना बहुत अच्छा था, मतलब कोशिश बहुत अच्छी की है, थोड़ा और अच्छा कर सकते थे,
जैसे शूटिंग दिखाई अच्छा लग रहा था, पर जो पोस्टर दिखाई ना, बार बार पोस्टर पलट के आ रहे थे, उसकी जगह पे अगर डांस ही दिखा देते ना तो बहुत अच्छा था। वैसे ही गाने की मूवी भी बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि इसका जो टीजर आया, पोस्टर आया, ट्रेलर आया, वो धांसू था। उसमें बाबू साहब जो भी मूवी आती है ना, उसका रिएक्शन देने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। और कई लोगों के कमेंट भी आते हैं हमारे पास कि मैम इस मूवी का टीजर आया है, इसका ट्रेलर आया है, आप कमेंट दीजिए, क्योंकि उड़िया इंडस्ट्रीज के सारे लोगों को हमारी तरफ, क्योंकि सारे लोग हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, रिएक्शन वाले लिंक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि ये जो उड़िया मूवी का गाना आया था वो हमें तो बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।